दोस्तों ये है चाइना होंडा वाटर पंप से WP30 160 के या 200 के का आता है, जिसका सीसी होता है 200 सीसी या 160 सीसी का आता है, मैं ये नहीं पता। लेकिन जब मैं इस इंजन को स्टार्ट करता हूँ तो जैसे हमें इस स्पीड कम करना है, स्लो करना है या बढ़ाना है, घटाना है, ये चीज़ें का कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसका। तो जैसे मैं इसे कम करता हूँ तो इसका जो स्पीड है वो कम नहीं होता है, और जब मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी नहीं होता है। तो मैंने इधर साइड में जो एक स्लो नट होता है, स्क्रू होता है लूज करने के लिए, उसे भी लूज करता हूँ तो यहाँ से भी कोई भी असर नहीं होता है। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसके लिए हमें ये खोलना होगा, फिल्टर खोलने के बाद टंकी खोलना होगा, लगाना होगा टंकी खोलकर, एक्सेलेटर का जो होता है वो खोलेंगे। टंकी खोलने के लिए बोल्ट होता है प्लग के आगे, और पीछे तरफ होता है 10 नंबर का डोनर, वहाँ से आप खोल सकते हैं। इसे खोलेंगे तो सभी चीज़ें खोलेंगे, और यहाँ से एक्सीलेटर भी हम खोलेंगे। एक्सीलेटर खोलने के लिए 3 बोल्ट इसका खोलना होता है। उसके बाद आपको दिखाएंगे करना है जो इसका जो इतना सारा स्पीड बढ़ा हुआ है, हमें ये कैसे एडजस्ट करना है। एक्सीलेटर इसका काम नहीं कर रहा है, वो एडजस्टिंग से है, और ना ये बढ़ता है ना ये कम होता है। तो यहाँ से जो मैं इसे कम करता हूँ तो ना कम होता है, जब स्पीड बढ़ाता हूँ तो स्पीड में ही बढ़ता है, ये एक ही जगह रुका हुआ रहता है। और 10 नंबर चाबी से हम तो इस टंकी को हम खोलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमें ये एक्सीलेटर भी खोलना होगा। देखिए मैंने इसका टंकी खोल के रखा है, और अब हमें ये एक्सीलेटर खोलना है। अब ये देखिए इसके अंदर एक गवर्नर होता है, और उसका ये पिन है, तो हमें यहाँ से एडजस्टिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोलेंगे, तो ये जो पिन है देखिए ये आगे बढ़ रहा है, और इसको अब हम इसको थोड़ा पीछे लेंगे, थोड़ा हमें पीछे लेना है, यहाँ पे लेना है, ठीक है। एक बार तेरा तो इस 10 नंबर बोल्ट से हम ये टी से हमें इसे लूज करना है, और यहाँ से हमें पिलास लगाना है, और इसको हम इस तरीके से हम इधर खींच के रखेंगे, और थोड़ा एक्सीलेटर को हम पीछे करेंगे, और फिर उधर टी से हम टाइट कर देंगे। लूज करा लो। बस टाइट करा, टाइट कर। Thank you.
तो दोस्तों अब पहले से इसका जो स्पीड है वो कम है अभी, और काफ़ी बदलाव आया है। इसी तरीके से आप इसका स्पीड कम कर सकते हैं, इसका रेस मिला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी होंडा पंप का वीडियो हम लाने वाले हैं, उस वीडियो को भी आप देखें।